मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा धर्मशाला दौरे के दौरान कांग्रेस पार्टी पर दिए गए बयान पर राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा कांग्रेस पर बयान दिया है कि कांग्रेस की हालत प्रदेश की खराब सड़कों से भी ज्यादा खस्ता है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को इस तरह की गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने से बचने की सलाह दी है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कांग्रेस पर दिए गए बयानों को गैर जिम्मेदाराना बयान करार दिया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा रही है और सरकार अगर गलत निर्णय ले रही है तो भी कांग्रेस की विपक्ष में होने पर सरकार को जगाना जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा सड़कों की खस्ता हालत पर सीएम के बयान गैर जिम्मेदाराना है। राणा ने कहा कि नेशनल हाईवे की हालत भी दयनीय बनी हुई है, लेकिन बार बार मुद्दे को उठाने पर भी समस्या बनी है, जिस पर मुख्यमंत्री के द्वारा कांग्रेस की हालत की तुलना खराब सड़कों से भी ज्यादा वाली की है, जिस पर अब राजनीति गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश के अगर आप सड़कों की हालत देखें और ग्रामीण सड़कें जो हैं वो टूट जाएं तो समझ भी आता है। नेशनल हाईवेज इतनी हालत खराब है कि गाड़ी का पता नहीं लगता है कि सड़क के बीच में चल रही है कि खड्डे में चल रही है कि नाले में चल रही है। इस पे बार बार हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से लोग मिलते रहे हैं। हमने भी बार बार इस मसले को उठाया है कि हिमाचल के प्रदेश की सड़कें जो है उनकी हालत जो है बहुत खस्ता हो गई है। आप कम से कम नई सड़कें नहीं बना पा रहे हैं, आप जो सड़कें बनी हैं उनकी मरम्मत तो कर दीजिए। तो उस पर अगर मुख्यमंत्री के ये बयान दे रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सड़कों की जो हालत है खराब है, परंतु विपक्ष की हालत उससे भी खराब है, मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री के लेवल पे अगर इस तरह की स्टेटमेंट आए तो मुझे लगता है कि ये हिमाचल प्रदेश के लोग इसको पसंद करें ऐसा मुझे लगता नहीं है, और टोटली एक गैर जिम्मेदाराना बयान उनकी तरफ से आया है। उनको चाहिए कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हिमाचल प्रदेश की अगर सड़कों की हालत खराब है तो उसको दुरुस्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं, ना कि ऐसे बयान दें जिससे हिमाचल प्रदेश के लोगों को भी निराशा हो। और विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष जो है, विपक्ष में 21 MLA हैं और विपक्ष की ये भूमिका है, लोगों ने हिमाचल प्रदेश की जनता ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को ये जनादेश दिया है कि विपक्ष की भूमिका निभाएं। अगर सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेवारियाँ हैं तो विपक्ष की भी उतनी महत्वपूर्ण जिम्मेवारियाँ हैं कि वो सत्ता पक्ष को जगाते रहें, और कोई अगर गलत निर्णय ले रहे हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं तो उनको जगाएं। तो विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और विपक्ष बार बार इस बात को उठा रहा है कि आप सड़कों की हालत को ठीक करें, सड़कों की हालत ठीक नहीं है। तो मुख्यमंत्री को ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए, मुझे लगता है कि ये उनके लिए ठीक नहीं है और प्रदेश की जनता के लिए भी ठीक नहीं है। राजेंद्र राणा ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के दौर में लोगों से मिलने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के समय में जनता को मिलने से रोका जाता है, जो कि दुखदायी है। उन्होंने कहा कि फरियादी लोगों को मुख्यमंत्री को रोकना गलत बात नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि लोगों से मुलाकात कन्नी काटने की बजाय लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए काम करें। देखिए, लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय मुख्यमंत्री वही होता है जो लोगों से मिले। मैंने वो दौर भी देखा है राजा वीरभद्र जी का, कि रात को 10 बजे भी अगर वो सोने वाले होते थे और टूर पर होते तो पता करते थे कि सोने से पहले कोई मिलने से तो नहीं रह गया, तो उससे भी मिलते थे। अगर सड़क में उनका काफिला जा रहा है, अगर कोई एक व्यक्ति भी हार लेके खड़ा है तो वहाँ भी काफिला रुक जाता था। मुझे लगता है कि अगर लोग वहाँ पर जयसिंहपुर में उनको मिलने के लिए आए थे, कोई अपनी फरियाद लेके आए थे, तो फरियादियों की फरियाद को सुनना चुने हुए व्यक्ति का और खासतौर पर सरकार के मुखिया की जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी है। अगर ऐसा धक्का मुक्का पब्लिक के साथ हुआ है तो मुझे लगता है कि ये बड़ा दुखदाई है और ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही दुखदाई घटना है, और प्रदेश सरकार को, प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा पुलिस को भी करने से रुकना चाहिए, और कोई लोग फरियादी आए हैं तो उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। काम होना नहीं होना ये अलग विषय है, पर फरियादी के फरियाद को सुनना जो है वो किसी भी चुने प्रतिनिधि का और सरकार में बैठे व्यक्तियों की जिम्मेदारी बनती है।